नामांकन फॉर्म जमा करने की आज अंतिम तारीख को नगरपालिका परिषद पद के भाजपा के 24 प्रत्याशियों ने भाजपा कार्यालय में पूजन अर्चन के बाद भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ मुख्य मार्गों से पैदल भ्रमण कर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां 24 वार्डों के घोषित भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है, गाडरवारा में टिकट जाति आधार पर नहीं जीके के आधार पर दिए हैं। 24 वार्डों के पार्षद पद के लिए भाजपा के घोषित प्रत्याशियों के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता, साधना स्थापक नरेश पाठक, अनूप जैन, हंसराज मालपानी, गौतम पटेल, राव घोषित भाजपा प्रत्याशी शिवाकांत मिश्रा, चंद्रकांत शर्मा व बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 24 वार्डों के घोषित प्रत्याशियों के आज नामांकन भरे गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस आधार पर टिकट वितरण हुआ है, क्या उनके मापदंड। भारतीय जनता पार्टी ने 24वें वार्ड में अपने प्रत्याशियों से आवेदन लेकर सर्वे और सभी आधार सभी मापदंडों को मानते हुए सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी है। जीतने वाले सभी जीतने वाले थे, कभी पार्टी भी तय करती कि इनको टिकट देना, उनके लिए टिकट दी। कुछ असंतोष नजर आ रहा है? कोई असंतोष नहीं है। कांग्रेस भ्रम की स्थिति फैलाती है। बहुत ही अच्छा टिकट वितरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूरे 24 ही वार्डों में चुनाव जीते। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विश्वास इस आधार पर काम करती है और चाहे कोरोना काल हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा की है। उन्हीं मुद्दों को हम आधार बनाकर चुनाव। यदि भाजपा के ज़्यादा पार्षद जीत कर आते हैं तो कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नेतागण कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे उसको पार्षद का अध्यक्ष का पार्टी प्रत्याशी बनाएगा। आज भाजपा के 24 घोषित प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल, आपके पास उनके आवेदन आए होंगे, क्या निर्धारित मापदंड तय किया था पार्टी ने? देखिए, एक समिति निर्धारित करती है, एक मेरे ऊपर नहीं रहता, समिति के द्वारा नाम ऊपर भेजे जाते हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आती है उसके आधार पर नाम ऊपर भेजे जाते हैं, उसके आधार पर चयन होता है। इसमें एक व्यक्ति के आधार पर चयन नहीं होता, जो समिति बनती है ना उसके आधार पर चयन होता है और नाम ऊपर भेजे जाते हैं। जो सर्वे रिपोर्ट में जिनके नाम ऊपर आते हैं तो उनके नाम ऊपर भेजे गए थे, तीन तीन लोगों की पैनल बना के भेजे गए थे। उनमें जो सर्वोच्च नाम था, जो जीतने वाले प्रत्याशी थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। क्या उम्मीद है कितने पार्षद आने वाले हैं? इस बार हम 24 के 24 वार्ड जीतने वाले हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी का चयन हुआ है सारे प्रत्याशी हमारे लड़ने वाले हैं और जो जनता के बीच में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं काम करने के लिए और हमेशा वार्डों में 24 घंटा रहते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को हमने टिकट दी और 24 के 24 वार्ड हम जीतने वाले हैं। क्या पूछना चाहिए? 24 घोषित पार्षद पद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, हम और जनता ये जानना चाहती है कि प्रत्याशियों के चयन में क्या योग्यता, क्या मापदंड तय किया? देखिए, हमारे जिले ने हम 7 लोगों की एक समिति बनाई जो निष्पक्ष कमेटी थी और उन्होंने हमें कुछ मापदंड दिए। उस मापदंड में हमने ये नहीं देखा कि किस समाज का व्यक्ति है। अगर वो मापदंड में आ रहा है तो हमने उसको टिकट के लिए सिफारिश की। दूसरा, अगर ये है कि कोई सामाजिक कोई समीकरण नहीं था, अभी जैसे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा कि जैनियों को टिकट नहीं दी गई, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग 3 सदस्य जो थे वो जैनी थे, महेश्वरी थे उसमें, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा एक मापदंड और था, हमारा मापदंड था कि उस वार्ड के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा और कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे 24 प्रत्याशी चुनाव परिणाम अच्छा ला के देंगे और हमारी नगर पालिका बनेगी, अध्यक्ष हमारा। शासन है, सत्ता है, सरकार है, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के लोगों में गठबंधन में बहुत बगावत नजर आ रही है? पार्टी बगावत नहीं, ये तो प्रतिक्रिया है। जब आदमी को लगता है कि ये पार्टी जीतना चाहती है तो हर आदमी उम्मीदवार बनना चाहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आपके कांग्रेस में बगावत नहीं है, वहाँ तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अभी जो डिक्लेयर हुआ है, एक वार्ड का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ 5 कैंडिडेट थे, ये हमारी पार्टी की लोकप्रियता का कारण है। चलिए, तो
जी हम ये जानना चाहते हैं कि जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। अरे हमारे पास इतने मुद्दे हैं, हमारे पास इतने मुद्दे हैं, अगर हम पिछली नगर पालिका की बात करेंगे तो वो किसी का विरोध कहलाएगा। हम विरोध पे नहीं, हम सकारात्मक राजनीति वाले लोग, हम तो अपने कार्यों के आधार। अगर हम पुरानी नगर पालिका की बात करेंगे तो निश्चित तौर से ये गलत होगा। हमने जो आवास योजनाएं दी, हमने जो उज्ज्वल योजनाएं दी, जो हमने मजदूरों के लिए कार्य किया, हमने जो अपने स्तर पर लोगों की सेवा की है, उसका परिणाम हमको चुनाव में मिलेगा और हम 2400 वार्डों से जीतेंगे। जनता ये जानना चाहती है कि कौन होगा अध्यक्ष? नहीं, ये तो अभी हमारा लोकतांत्रिक मामला है, ये तो कुछ लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने ये कर दिया कि पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया। हमारे पार्षद चुन के आएंगे, वो निर्णय करेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा और उसमें समिति के लोग हमारे यहाँ। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।